उसको जब हम टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं, कि क्रांतिकारी बदलाव आप समझते हैं ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में इस संरचना को और नया बल मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए, ये वर्चुअल रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है जिसका अनुभव लेते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय मिश्र। अजय मिश्र, हम यहाँ प्रधानमंत्री को तमाम ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है वहाँ एक मॉडल है आंचल, जिससे पूरे 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 विश्व का, जिसमें इन सभी लोग भारत के न केवल यूपीआई जो कि पेमेंट, तो किस तरह से वित्तीय समावेशन कई देशों के, कई विकसित देशों के लिए उदाहरण है। विकासशील देश तो लगातार इससे प्रेरणा ले ही रहे हैं। और जब हम संरक्षण, टिकाऊ वित्त और वित्तीय सेवाओं के वैश्विक एकीकरण के सशक्तता पर, इन्हीं जन धन खातों की फिलोसॉफी पर हमने माइक्रो फाइनेंस की सबसे बड़ी स्कीम मुद्रा लॉन्च की। इस स्कीम से अभी तक 27 ट्रिलियन रुपए से अधिक का क्रेडिट दिया जा चुका है। 27 ट्रिलियन। इस स्कीम की करीब 70% बेनिफिशियरी महिलाएं हैं। साथियों, फिनटेक ने फाइनेंशियल सर्विस को डेमोक्रेटिक बनाने में भी बड़ी भूमिका निभाई है। लोन, क्रेडिट कार्ड, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट सबके लिए आसानी से सुलभ हो रहे हैं। फिनटेक ने एक्सेस टू क्रेडिट को भी आसान और इंक्लूसिव बना दिया है। फिनटेक सेक्टर की मदद के लिए सरकार पॉलिसी लेवल पर हर जरूरी बदलाव कर रही है। हाल में हमने एंजल टैक्स को हटाया है। ठीक नहीं किया। नहीं, ठीक किया है ना। हमने देश में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की है। हमने डेटा प्रोटेक्शन कानून बनाया है। मेरी हमारे रेगुलेटर से भी कुछ अपेक्षाएं हैं। हमें साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए और डिजिटल लिटरेसी के लिए और बड़े कदम उठाने होंगे। साइबर फ्रॉड स्टार्टअप्स की, फिनटेक्स की ग्रोथ में रुकावट न बने, ये ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है।